हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीपीयू में थर्मल पेस्ट कैसे लगाते हैं। आपको मालूम होगा कंप्यूटर के सीपीयू में जो प्रोसेसर लगा होता है उस पर थर्मल पेस्ट का यूज होता है, जिसे हीटसिंक पेस्ट भी कहते हैं। और जब ये पेस्ट सूख जाता है तो हमारे कंप्यूटर पर ओवरहीटिंग का मैसेज सोखने लग जाता है, हमारा कंप्यूटर ज़्यादा समय तक नहीं चल पाता, अपने आप बंद हो जाता है, चलते चलते बंद हो जाता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम अगर आपके भी कंप्यूटर पर आ रहा है तो आपको भी अपने सीपीयू पर हीटसिंक पेस्ट लगाना होगा। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर सीपीयू पर हीटसिंक पेस्ट या कहें थर्मल पेस्ट कैसे लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टीएच किंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं सामने रखा है हमारा कंप्यूटर और ये रहा हमारा थर्मल पेस्ट। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा भी है, ये लिखा है थर्मल, लिखा है ग्रीस। ठीक है, अभी हम इस थर्मल पेस्ट को इस सीपीयू पर लगाएंगे क्योंकि इस सीपीयू का जो थर्मल पेस्ट है बिल्कुल सूख चुका है। ठीक है, इसका भी सूख चुका है, मैं आपको दोनों में लगा के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि दोनों में बहुत जरूरी है थर्मल पेस्ट लगाना। और इस थर्मल पेस्ट का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया है, आप जाकर इसे खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आखिर सीपीयू में थर्मल पेस्ट लगाते हैं कैसे, स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले इसे हम करते हैं शट डाउन। ये किया हमने शट डाउन, देख सकते हैं आपको भी शट डाउन ही करना है, डायरेक्ट बंद नहीं करना है, शट डाउन होने के बाद ही आपको बंद करना है। इसके बाद आपको इसके सारे केबल कनेक्शन को बाहर निकालना होगा। ठीक है, अब वेट करते हैं शट डाउन होने का। शट डाउन हो चुका है, अब मेन लाइन को बंद करेंगे। यहाँ से मेन लाइन हुई है बंद, हो गया बंद। अब आपको सीपीयू के केबल कनेक्शन बाहर निकालना है। ये सीपीयू है, ये रहा इसका पावर केबल, इसे भी हम निकाल देते हैं बाहर। ये रहा विजय केबल, इसे निकाल देते हैं बाहर। ये रहा माउस का, इसे भी निकाल देते हैं बाहर। ये रहा ऑडियो का, सबको बाहर निकाल दिया। अब आपको इसे ओपन करने से ढक्कन को, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सीपीयू के ढक्कन को ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं ढक्कन को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको भी ढक्कन को ओपन करना है। ठीक है, ये मैं ढक्कन ओपन किया, ढक्कन ओपन करके देख सकते हैं यहाँ पर लगा है हमारा मदरबोर्ड। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मदरबोर्ड। ठीक है, यहाँ पर सारा कनेक्शन हो रखा है। तो ये जो पेस्ट लगेगा, जो थर्मल पेस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा थर्मल पेस्ट। ठीक है, यही पेस्ट हम इस्तेमाल करने वाले हैं, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है थर्मल ग्रीस। ठीक, यही इस पर लगने वाला है। ठीक है, तो अभी इस पेस्ट को हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये जो फैन लगा है, इसी फैन के नीचे हमारा प्रोसेसर लगा होता है, तो सबसे पहले हमें इस फैन को ओपन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं चार स्क्रू मिलेगा, एक दो तीन और चार, यहाँ पर चार स्क्रू लगा हुआ है। तो चारों स्क्रू हमें बाहर निकालना होगा। और हो सकता है कि आपके मदरबोर्ड पर स्क्रू ना लगा हो, क्योंकि कई कई ऐसे भी फैन आती है जहाँ पर सिर्फ लॉक लगा होता है। ठीक है भाई, अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरीके की भी फैन आती है। ठीक है, जिसमें लॉक लगा होता है, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा लास्ट में, कि मेरे पास वो वाला मदरबोर्ड भी है। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं इस फैन की। तो यहाँ पर चार यहाँ पर स्क्रू लगा हुआ है, सबसे पहले हमें इस चारों स्क्रू को बाहर निकालना पड़ेगा। किसकी मदद से? ड्राइवर की मदद से। तो ये रहा हमारा ड्राइवर। ठीक है, फटाक से हम इसकी मदद से ये जो स्क्रू है इन्हें बाहर निकाल। लेकिन आपको मैं बता दूँ, अगर हम पिछले साइड की भी ढक्कन को ओपन करेंगे, ये वाला साइड को, ये जो साइड है, अगर हम ढक्कन को भी ओपन करेंगे तो आपको और अच्छे से दिख जाएगा। मैं यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ, चलो इसे भी ओपन कर लेते हैं। ये हो गया ओपन, अब मैं आपको और क्लियर दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये रहा, यहाँ पर ये जो सॉकेट आपको दिख रहा है, मैं आपको रिज़ूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो सॉकेट दिख रहा है, यही वो सॉकेट है जिस पे हमारा जो मदरबोर्ड का फैन है वो लगा हुआ है। ये जो पार्ट यहाँ पर प्रोसेसर लगा है, अरे उसका लॉक है, इसी चारों लॉक में हमारे स्क्रू टाइट हो रखा है। ठीक है, तो हमें चारों स्क्रू को बाहर निकालना होगा। तो चलिए हम स्क्रू को फटाफट बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तरह से कर रहे थे जिससे आपको अच्छे से दिख सके। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको क्लियर दिखा सकूँ, अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्रू को ओपन करते हैं इस तरह से। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर चार स्क्रू लगा है, चारों को लाइन से आपको बाहर निकालना है। ठीक है, चलो यहाँ पर हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्क्रू ढीला हो चुका है, अब हम इसे उठाते हैं, प्यार से आपको इसे उठा लेना है। और देख सकते हैं यहाँ पर लगा है हमारा हीटसिंक पेस्ट, ये जो है हीटसिंक पेस्ट है। और यहाँ प्रोसेसर पर भी हीटसिंक पेस्ट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं आपको और क्लियर जूम करके दिखा देता हूँ। तो अब देखिए, अभी आपको जो दिख रहा है यही है हमारा प्रोसेसर। ठीक है, इसी के ऊपर हमें थर्मल पेस्ट को लगाना होगा। अभी देख सकते हैं पूरा सूख चुका है, एकदम से ये सूख चुका है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम अभी अप्लाई करेंगे थर्मल पेस्ट, जो कि हमारे पास रखा हुआ है, बिल्कुल नया है। और अगर आपके पास थर्मल पेस्ट नहीं है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ, जाकर इसे खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे फटाफट अप्लाई करते हैं। और अगर आप चाहें तो प्रोसेसर को निकाल भी सकते हैं। अगर ये जो लॉक लगा है इसे हम प्रेस करेंगे नीचे की ओर इस तरह से, और ये ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके, बिल्कुल लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं, ये हो गया ओपन। अब यहाँ से हम अपने प्रोसेसर को बाहर निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं ये रहा हमारा प्रोसेसर। पीछे यहाँ पर पिन मिल जाता है, देख सकते हैं पिन लगा हुआ है काफ़ी सारे। अब ये जगह पूरा खाली हो चुका है, ठीक है, प्लॉट पूरा खाली हो चुका है। तो इसी प्रोसेसर पर हमें पेस्ट लगानी है। चलिए फटाफट पेस्ट लगा लेते हैं। तो आप चाहें तो प्रोसेसर को बाहर निकाल के भी इस पर पेस्ट लगा सकते हैं, या फिर ये जैसा लगा था वैसा लगे लगे भी आप इस पर पेस्ट लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताने के लिए इसे पूरा निकाल दिया हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं कट बना रहे, जब इसे वापस आप लगाएंगे तो इस पर कट बना है, देख सकते हैं कट, ये देख सकते हैं दोनों साइड। तो इसको मिला करके आपको इसमें लगाना होता है, ठीक है, वरना ये नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर जो कट बना हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं कट ये बना हुआ है, ये आप देखिए और अच्छे से देखिए कट बना है। इसी कट को यहाँ पर आपको मिलाना है, ठीक है, उसके हिसाब से ये लगे। जैसे मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ, ठीक है, ये गया ये, अरे यार ये कुछ ऐसा लगेगा, ये देख सकते हैं लग चुका है, ठीक ऐसा लगेगा। अब ऊपर आपको पेस्ट लगा देनी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रोसेसर को पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है, इससे अच्छे से मैं साफ कर लेता हूँ इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो लगा ये सूख चुका है, बहुत ज़्यादा सूख गया यार। तो मैं इसे फटाफट साफ कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर हम नया पेस्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कपड़े की मदद से यहाँ पर मैं साफ करता हूँ इस तरह से, देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने लाइव हो रहा है। ये हमने साफ कर दिया, और साफ करने के बाद आपको प्रोसेसर का मॉडल भी पता चल जाएगा कि आखिर ये कौन सा प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया साफ, देख सकते हैं साफ हो गया। अब यहाँ पर आपको मॉडल भी मिल जाएगा कि प्रोसेसर कौन से मॉडल का है, और आपको दिख रहा होगा आप पढ़ सकते हैं पूरा मॉडल यहाँ पर आपको दिख रहा है। मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, ये है इंटेल डुअल कोर, इंटेल पेंटियम डुअल कोर ये प्रोसेसर है, ठीक है। चलिए अब इस पर हम पेस्ट लगाते हैं, लेकिन पेस्ट लगाने से पहले हम यहाँ पर इसे फिट कर देते हैं इस तरह से, ये हो गया फिट, लॉक लगा देते हैं, लॉक हो गया। अब हम इसे करते हैं सीधा सीधा लॉक, ये कंप्लीट लग चुका है, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही आपको लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है, मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ जिससे आपको और क्लियर दिख सके। तो सबसे पहले आपको ये जो पेस्ट है इसके टोटी को निकालना है, ये निकल गया बाहर, और निकल के किधर गिर गया यार, चलो खैर कोई बात नहीं। अब आपको इसे इंजेक्ट करना है, सबसे पहले इसमें से ऑयल निकलेगा, उसके बाद ये जो पेस्ट है वो निकलेगा, ठीक है। चले हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो ये यहाँ पर हमने लगा दिया पेस्ट, देख सकते हैं। अब इसे आपको अपनी उंगली से हल्का से बिखार देना है इस तरह से, ये बिल्कुल लिक्विड बन जाएगा, बिल्कुल इस तरह से, देख सकते हैं अभी बिल्कुल एक गीला हुआ है, ठीक है। पहले जो था वो पूरा सूख चुका था, अब ये गीला हो चुका है, ये हमने लगा दिया, आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी बिल्कुल यहाँ पर नया पेस्ट लग चुका है, बिल्कुल गीला है, पहले जो लगा था बिल्कुल सूख चुका था, ठीक है, वाइट हो गया था, और अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम गीला है। अब आपको क्या करना है, ये जो फैन है इस फैन को आपको जैसा लगा था वैसा लगा देना, देख सकते हैं हमारे चार होल मिलेंगे, एक होल, ये दो, ये तीन और ये चार, ठीक है, आपको वैसा इसको मिला करके लगा देना। चलिए हम इसको लगा लेते हैं, तो ये रहा फैन। अब आपको चारों खांधे में इसको अच्छे से बैठा के टाइट करना है, ठीक है। चलिए हम इसे लगा देते हैं, ये इस तरह से लग जाएगा, आपको चारों खांचे में अच्छे से इसको बैठा लेना है, ठीक है। फिर आपको इसे टाइट करना है, और ध्यान रहे आपको एक साइड से टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा इसको, मतलब एक साथ आपको मिला के टाइट करना है, तभी प्रॉपर तरीके से टाइट होगा, वरना टाइट नहीं होगा दोस्तों। चलिए फटाफट इसे टाइट करते हैं, ये किया हमने थोड़ा सा टाइट, ये हो गया। अब हम इस साइड को टाइट करेंगे, मतलब लेफ्ट राइट करके आपको टाइट करना है, ये हो गया टाइट। अब इसको टाइट करेंगे थोड़ा सा, मतलब चारों को मिला के बराबर टाइट करना है, ठीक है, तभी ये प्रॉपर तरीके से टाइट होगा, वरना नहीं होगा।
तो ये हो गया टाइट। अब आपको एक एक करके अच्छे से इसे टाइट कर देना है, ठीक है। इस तरह से मैं कर देता हूँ। अब देखिए ये हो गया फुल टाइट, इसे हम कर देते हैं, देख सकते हैं बिल्कुल आपके सामने चल रहा है सब। ये हो गया फुल टाइट, अब हम इसे कर देते हैं फुल टाइट। ये हो गया फुल टाइट, ये लास्ट है वाला, देखो ये भी हो गया फुल टाइट। अब यहां पर हमारा प्रोसेस कंप्लीट है। और अगर मान के चलिए आपका ये जो नट है ये स्लिप कर रहा है, ये भी टाइट नहीं हो रहा है, तो क्या करना है आपको, इस साइड आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लॉक लगा होता है इसे आपको हाथ में पकड़ लेना है, इस तरह से पकड़ करके आपको इस साइड से टाइट करना है। मतलब इसको एक हाथ से पकड़ लीजिए और लेफ्ट साइड से इसको आपको टाइट करना है, जिससे स्लिप ना हो। क्या होता है, ये बाहर उठ जाता है तो ये टाइट नहीं होता, ये जो लॉक लगा है ये बाहर उठ जाता है तो ये टाइट नहीं होता। इसलिए आपको क्या करना है, इसको हाथ में पकड़ लेना है और इस साइड से आपको फटाफट टाइट करते जाना है, फिर वो टाइट हो जाएगा। तो ये तो हो गया नट बोल्ट वाली बात, ठीक है। यहाँ पर प्रोसेसर पूरा कंप्लीट, मतलब जो हमारा पेस्ट का जो अप्लाई करना था वो बिल्कुल हमने कर दिया। और इस तरीके से आपका भी पेस्ट लगाना है अपने प्रोसेसर पर, थर्मल पेस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर आपके में नट नहीं लगा है, वो लॉकिंग सिस्टम है, तो क्या करना, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसका काम तो कंप्लीट हो चुका है, इसे हम फटाफट बंद कर देते हैं और सीधा मैं आपको चालू करके बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया बंद, लेकिन आपको एक बात और बता दूँ मैं, यहाँ पर इसका जो कनेक्शन है वो लगा होना चाहिए, आप ध्यान रखिए, देख सकते हैं ये फैन है और ये फैन का कनेक्शन है ये वाला, तो ये लगा होना चाहिए तब ये काम करेगा, ठीक है। ये कनेक्शन देख सकते हैं, चलो इसे हम लगा देते हैं कनेक्शन को, तभी प्रॉपर तरीके से चलेगा। पता चले कि आपने कनेक्शन निकाल दिया है फिर ये घूम ही नहीं रहा है तो कहाँ से हीट कर पाएगा, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो हम इसे लगा देते हैं, चलो ये अभी हम लगा देते हैं, तो ये लग चुका है, स्क्रू हम टाइट कर देते हैं फटाफट, ये रहा स्क्रू, तो इसे भी हम कर देते हैं टाइट, ये हो गया। अब हमारा सीपीयू कंप्लीट, ठीक। चलो अब इसे फटाफट चालू करेंगे, अब मैं आपको लॉकिंग सिस्टम दिखाता हूँ, ठीक है, मतलब जिसमें लॉक लगा होता है उसको कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा गेमिंग पीसी, अब फटाफट इसे भी ओपन करते हैं, ठीक है, जिससे आपको क्लियर दिख सके, ये हमारा गेमिंग पीसी है, इसे फटाफट ओपन करते हैं क्योंकि इस मदरबोर्ड में लॉक वाला फैन लगा है, इसमें कोई भी नट बोल्ट वाला काम नहीं है। तो चलिए इसे भी हम फटाफट ओपन करते हैं और आपको मैं लाइव दिखा देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि आपसे कोई बात में छुपा कर रखूँ, एकदम लाइव क्लियर दिखाता हूँ आपको। और आप देख सकते हैं इसमें जो फैन लगा है इसमें कोई भी नट बोल्ट नहीं, इसमें लॉक सिस्टम लगा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों में लॉक लगा है। और ये लॉक वाला सिस्टम भी बिल्कुल इजी होता है, अब बढ़िया सही से इसमें काम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी जो लॉक है वो टूट जाता है, फिर हमें नया फैन लेना पड़ जाता है, ये बहुत बड़ी इसमें की दिक्कत होता है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आपको दिखाने के लिए मैं इसे करके दिखा देता हूँ, चलो इसे निकाल देते हैं फिलहाल। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लॉक लगा, आपको करना क्या है, लॉक को उसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाना है, मतलब जस्ट उल्टा आपको घुमाना, इसमें एरो का निशान भी दिया होता है, मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर एरो का निशान बना हुआ है, इसमें एरो का निशान बना हुआ है, ठीक, वैसे आपको घुमाना है, चारों में बना रहता है, देख सकते हैं, ठीक है, इसमें नट नहीं लगा है, आपको बस इसको घुमाना है, ये खुल जाएगा। चलो मैं आपको घुमा के ही दिखा देता हूँ, ये इसे हमने पकड़ा और इसे घुमाया एरो की साइड, ये घूम गया, अब आपको ऊपर खींचना है, ये खींचा हमने ऊपर, आगे देख सकते हैं ये नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर, ठीक है, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ठीक है, इसको भी वैसा ही घुमाना है, इस तरह से घुमा दिए, ये भी ऊपर खींचेंगे ऊपर हो जाएगा, इसे भी आपको वैसा ही घुमाना है एरो की साइड, ये हमने घुमाया, ये घुमाया, ऊपर खींचा ऊपर आ गया, इसे भी आपको वैसे घुमाना है, ऊपर खींचा ऊपर आ गया, अब ये लॉक खुल चुका है, अब इसे उठाना है आपको ऊपर की ओर, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं निकाल चुके, इसमें बिल्कुल पेस्ट खत्म हो चुका है, देख सकते हैं पेस्ट बिल्कुल गायब सा हो गया है, कह दें बिल्कुल भी पेस्ट नहीं है, और इसीलिए सिस्टम बार बार बंद हो जाता था, ओवर हीट हो रहा था, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सूखा हो चुका है, एकदम सूखा हो चुका है, तो कहाँ से ये प्रॉपर तरीके से काम कर पाएगा यार, ठीक है। तो चलिए इसे भी हम देख लेते हैं, और अगर चाहे तो इसे भी आप जो प्रोसेसर इसे निकाल सकते हैं, इस तरह से आप ओपन करेंगे ये, अरे निकल जाएगा इसका प्रोसेसर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये रहा इसका प्रोसेसर, ठीक है, इसे पिन मिलेगा, यहाँ पर प्रोसेसर लगा है, ठीक। चलिए इसमें हम फटाफट पेस्ट लगाएंगे, प्रोसीजर बिल्कुल वही रहेगा, और इसमें भी कट बना हुआ है, देख सकते हैं ये कट बना हुआ है, इसी के आधार पर इसे आपको लगाना है, जो कट बना हुआ है इसी के आधार पर ये
लगेगा, ये जो कट बना है इसी के आधार पर, ठीक है, इसमें भी आपको कट मिल जाएगा। तो चलिए इसे फटाफट लगा लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो लगे इसे हम पोंछ लेते हैं, साफ कर लेते हैं, उसके बाद हम नया पेस्ट लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे हम कपड़े से पोंछ लेते हैं इस तरह से। पोंछने के बाद इसमें भी हमें मॉडल मिल जाएगा कि आखिर कौन सा मॉडल किसमें प्रोसेसर लगा है, क्योंकि यहीं पर सारा मॉडल लिखा होता है, ठीक है, हर प्रोसेसर पर लिखा होता है, ऐसा नहीं कि इसी में लिखा है। ये हम पोंछ दिए अच्छे से, ये साफ हो गया। अब यहाँ पर देख सकते पूरा मॉडल लिखा है, फोकस आ जाए भाई, फोकस फोकस, हाँ आप देख सकते हैं। अब आप नाम पढ़ सकते हैं, क्लियर पढ़ सकते हैं। मैं आपको पढ़ के बता दूं, ये प्रोसेसर है इंटेल का कोर i3 21 ये मॉडल है, ठीक है, ये प्रोसेसर इसमें लगा है। चलिए इसे फटाफट हम लगा देते हैं इस तरह से। ये लग चुका है, लॉक कर देते हैं, ये कुछ इस तरह से लॉक हो गया, देख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ठीक है, ऐसा ये आपको भी लॉक करना है। ये घुस गया, अब हम इसे पकड़ेंगे और ये चला जाएगा कुछ इस तरह से, ये लॉक हो चुका है। अब यहाँ पर हम पेस्ट अप्लाई करेंगे, ये रहा हमारा पेस्ट, चलिए फटाफट इसमें अप्लाई करते हैं। ये देख सकते हैं पेस्ट आ चुका है, ठीक है, पेस्ट। अब इसको आपको उंगली से अच्छे से लगा देनी है, क्लियर लगा देना है। अच्छे से आपको फैला के लगा देना है, ठीक है, देख सकते हैं ये लगा दिया। थोड़ा सा हम इसमें भी लगा देंगे, ये जो फैन लगा इसमें भी, ये इस तरह से ये लग चुका है, और हम इसे लगा देंगे ठीक वैसा जैसे लगा था, ठीक है, ये कुछ इस तरह से लगा हुआ था। ठीक है, ऐसा ही हम लगा देंगे, और कुछ ज़रूरी नहीं कि जैसा लगा था वैसा लगाओ, आप ऐसा भी लगा सकते हो, ऐसा भी लगा सकते हो, एकदम सेम होता है साइज, ठीक है, लेकिन जो आपको सही लगता है वैसा लगा लीजिए। चलो मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा लेता हूँ, ये घुस गया, ये भी घुस गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, ठीक है, मतलब चारों खांचे में आपको अच्छे से इसको बैठा देना है, ठीक है, बिल्कुल भी अंतर ना हो, ये चला गया। अब आपको जैसा अब जैसे ऐसा घुमाया था, अब आपको ऐसा घुमाना है, अपोजिट, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको लॉक कर दिए, ये हम घुसा दिया, इसे भी हम घुसा देते हैं, ये घुस गया, इसे भी हम प्रॉपर घुसा देते हैं, ध्यान से घुसाइएगा टूट जाता है, ठीक है, एकदम ध्यान से, ये भी घुस गया। अब आपको जस्ट उल्टा घुमाना है, ऐसे घुमाए थे अब ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, ये देख सकते हैं ऐसे घुमाया, ये लॉक हो गया, इसे भी घुमाया, ये भी लॉक हो गया, इसे भी घुमाया, ये भी लॉक हो गया, इसे भी घुमाया, ये भी लॉक हो गया। अभी हमारा देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से लग चुका है, ये हिलेगा भी नहीं, अब इतना टाइटली ये लग चुका है, ठीक है, बिल्कुल टाइट लग चुका है। इसको हम साइड कर देते हैं इसके केबल को, जिससे फंसे मत, ये देख सकते हैं अब हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से आप लॉक वाले फैन पर भी पेस्ट लगा सकते हैं, काम कंप्लीट हो गया। हमने एक सॉकेट निकाला था, सॉकेट को हम लगा देते हैं, ये वाला था USB 3.0 का, इसे हम लगा देते हैं वापस से, लगा हुआ था, ये लग चुका है। अब हम इसके ढक्कन को लगा देते हैं फटाफट, ये गया कुछ इस तरह से ढक्कन। अब इसके स्क्रू को हम टाइट करते हैं फटाफट से, पर मैं जूम आउट कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखे, ठीक है, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि वीडियो को मैं इधर उधर कर रहा हूँ, जैसा लगाया हूँ वैसा आपको दिखा दिया, ठीक है, ऐसा ही आपको लगा देना है, ठीक है, हमारा काम ख़त्म। अब बारी है फटाफट चालू करने की। अब आप कमेंट करके बताओ कौन से सीपीयू को पहले चालू करूँ, ये वाला सीपीयू को चालू करूँ या फिर जो पहले किए थे उसे चालू करूँ। चलो इसे ही चालू करके मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है, फिर उसको करेंगे। तो दोस्तों ये रहा वो सीपीयू, इसे हम उठा लेते हैं और रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये अभी हम इसे चालू करेंगे। सबसे पहले इसका केबल कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पर हम लगाएंगे ये वाला पावर केबल, ठीक है, ये लग गया पावर केबल। अब लगाएंगे ये ऑडियो का केबल, ठीक है, अब लगाएंगे कीबोर्ड माउस का केबल, मतलब पिन को, ये देख सकते हैं लग चुका है।
अब यहाँ पर आता है VGA का डिस्प्ले के लिए, ठीक है। चलो VGA भी हम लगा देते हैं, ये लग चुका है देख सकते हैं। चलिए अब इसे फटाफट ऑन करते हैं, ये हो गया। अब हम करते हैं इसे फटाफट से ऑन, ये दबाया हमने बटन और इधर पावर ही ऑन नहीं है, ये बटन किधर भाई, ये ऑन, ये ऑन, अब ये ऑन होगा। ये दबाया हमने बटन और ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर दबाया बटन, मॉनिटर भी ऑन हो जाएगा और बिल्कुल आपके सामने लाइट चल रहा है। देखिए अभी एक CPU रखा हुआ है, इसे भी हम चालू करेंगे, ये वाला, इस पर भी हमने पेस्ट लगाया, इसे भी चालू करेंगे। सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं क्या स्थिति है, देख सकते हैं चालू हो रहा है, थोड़ा सीधा करते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर विंडोज 10 है, चालू हो रही रहा है और ये फाइनली चालू हो गया। और जब तक ये चालू रहता तक वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटे को भी दबा लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो आते रहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कंप्यूटर चालू हो चुका है जो कि विंडोज 10 है और अभी इसी CPU पर हमने थर्मल पेस्ट लगाया है, ठीक है। अभी एक CPU बचा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये CPU हमारा बचा हुआ है, इसको भी हम चालू करेंगे अभी फिलहाल। अब ये CPU देखिए हमने थर्मल पेस्ट लगाया और बिल्कुल सही भी हो गया, देख सकते हैं, टेंशन खत्म। चलो अब बारी है ये वाले CPU की, सभी हम फटाफट चालू कर लेते हैं। तो अभी हमने सेकंड CPU को लगा चुका है, देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ जो कनेक्शन, ये भी सेकंड CPU पर हमारा कनेक्शन हो रखा है, ठीक है। दबाते हैं पावर का बटन, ये दबाया और ये चालू हो गया, देख सकते हैं 945 इसका मॉडल है मदरबोर्ड का। अभी इससे भी वेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थर्मल पेस्ट लगाने का तरीका बिल्कुल आसान है, बस आपको आना चाहिए। और आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसमें विंडोज 7 चल रहा है, देख सकते हैं चालू हो गया, बिल्कुल इजी है यार। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया, सिखा दिया और दोनों को भी बता दिया, स्क्रू वाले को कैसे लगाते हैं और लॉक सिस्टम को कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी ऑन हो रहा है और ऑन होते ही वीडियो को लाइक कर देना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। देख सकते हैं ऑन हो चुका है, अब आपका काम क्या है, वीडियो को लाइक करना। अब लाइक करो वीडियो को फटाक से, चल कैंसिल हो जा, ये हो गया। और देख सकते हैं यहाँ पर हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है इस तरह से, ठीक है, देख सकते हैं पूरा चालू हो चुका है हमारा कंप्यूटर। तो इस तरीके से आप एक CPU पर थर्मल पेस्ट लगा सकते हैं दोस्तों। आई होप अब आप CPU पर थर्मल पेस्ट लगाना सीख लिया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटे को भी दबा देना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आते रहते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है sandeep_patel72, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया इंस्टाग्राम का, जाकर मुझे फॉलो कर लेना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।